हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में था फास्ट हूँ मैं जितेंद्र। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाले हैं जिनका राशन कार्ड अभी तक नहीं बना है, जो लोग छूट चुके हैं राशन कार्ड बनाने में, तो उनको फिर से दोबारा आवेदन लिया जाएगा। वो आवेदन किस माध्यम से लिया जाएगा सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। वीडियो पूरे लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। आपको जैसे ही आप सभी को पता है 23 लाख राशन कार्ड जो कि जीविका के माध्यम से इससे पहले आवेदन लिया गया है उसमें 23 लाख नया राशन कार्ड इशू कर दिया गया। उसमें क्या हुआ, बहुत सारे परिवार छूट चुके हैं, छूटे हुए परिवार को दोबारा आवेदन लिया जाएगा। वो आवेदन कैसे किस माध्यम से लिया जाएगा, खुद से ऑनलाइन करना होगा या ब्लॉक में RTPS काउंटर पर जाके आवेदन करवाना होगा या जीविका के माध्यम से आवेदन लिया जाएगा, इसी के बारे में डिटेल में आपके साथ बात करने वाला हूँ। तो वीडियो पूरे लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको जानकारी मिल जाएगी किस माध्यम से ऑनलाइन आवेदन होगा, कहाँ पे क्या प्रोसेस करना होगा, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरा, जो लोग चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन घंटी को दबा दीजिएगा, ऑल पे प्रेस कर दीजिए, जो बिल्कुल फ्री होता है उससे क्या होगा, प्रतिदिन का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आसानी तक पहुँच सके। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ फ्रेंड्स कि सरकार की तरफ से जो भी लाभ आपको मिल सके मैं उसे रिलेटेड आपके लिए वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को हम कर लेते हैं शुरू। जैसे आप सभी को पता है कि बिहार में EPDS माध्यम से सारा कुछ राशन कार्ड का इशू किया जाता है। EPDS जो कि बिहार में सारे लोग जानते हैं, EPDS के माध्यम से ही होता है। देखते हैं खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग के माध्यम से यहां पर आपको राशन कार्ड शो किया जाता है, यहीं से आप अपना राशन कार्ड का स्टेटस देख सकते हैं। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किस माध्यम से होगा, चलिए वो जानकारी मैं आपको जा रहा हूँ। फ्रेंड्स आ जाना होगा आपको इस वेबसाइट पे, इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आप आ सकते हैं। इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं लोकसभा का अधिकार एवं अन्य सेवाएं, यही सारी सेवाएं इस वेबसाइट पर आपको RTPS यही RTPS काउंटर और RTPS वेबसाइट यही इसी के माध्यम से ही ब्लॉक में आवेदन लिया जा रहा है। यहाँ पर आप दिखा रहा हूँ दोस्तों, इसको स्क्रॉल को थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ पर आप देख लेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सेवाएं, यहाँ पर सेवाएं यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है क्या, नया राशन कार्ड जारी करने के लिए आवेदन, राशन कार्ड सुधार के लिए आवेदन, दोनों के लिए आवेदन के लिए यहाँ पर कर दिया गया, लेकिन इसका लिंक अभी एक्टिवेट नहीं किया गया दोस्तों। जैसे यहाँ पर जैसे कि आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कॉमिंग शो देगा, सुधार के लिए भी क्लिक करेंगे तो कॉमिंग शो, इसका लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया। इसका लिंक जैसे एक्टिवेट करता है मैं इसके लिए एक वीडियो खास आपके लिए बनाकर लेकर आऊँगा दोस्तों, जो कि यहाँ पर अब दे दिया ऑप्शन, यहाँ पर दोबारा मौका दिया गया है, जिनका परिवार छूट चुका है वो दोबारा से आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों बता दूं यह आवेदन RTPS के माध्यम से ही लिया जाएगा, जो कि छूटे हुए परिवार को आवेदन दोबारा लिया जाएगा तो RTPS के माध्यम से लिया जाएगा। यह आवेदन RTPS के माध्यम से तो लिया जाएगा, लेकिन आवेदन किस माध्यम से होगा आप खुद से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप दो ऑप्शन मिल सकता है दोस्तों, या आपको खुद से करने के लिए भी मौका दिया जाएगा, या तो या ब्लॉक में आपको RTPS काउंटर पर जाकर वहाँ से लाइन में खड़े होकर आवेदन करवाना होगा। दो ऑप्शन आपको दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर पूरा क्लियर नहीं किया गया है कि कैसे आवेदन करना है, लेकिन इतना तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि आवेदन छूटे हुए परिवार को राशन कार्ड के लिए आवेदन लिया जाएगा, लेकिन कब से आवेदन होगा इसका भी कोई जानकारी नोटिस नहीं आई है। जैसे आती इस पर मैं वीडियो आपके साथ लेकर आने वाला हूँ, लेकिन आप इतना माइंड में बैठा लेंगे कि यहाँ पर आपको राशन कार्ड के आवेदन द्वारा लिया जाएगा। यहाँ पर इस वेबसाइट पर न्यू आज ही के डेट में आपको बता दूँ, आज ही के डेट में इस पर दिया गया है नोटिफिकेशन, और जैसे ही नोटिफिकेशन है आपके साथ मैं वीडियो लेकर आ गया है दोस्तों, क्योंकि जो भी जानकारी हो आप तक पहुँच सके आसानी से, और मैं बता दूँ आपको अच्छी तरह से समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। जैसे मैं बता दूँ दोस्तों कि अगर आप राशन कार्ड आपका छूट चुका है तो यहीं से आवेदन करेंगे RTPS काउंटर से, या वो आप खुद से भी करेंगे। इसके रिलेटेड के लिए पेपर में भी दिया गया था, चलिए मैं उस पेपर को भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, छूटे लोगों को राशन कार्ड बनाने के लिए लिया जाएगा आवेदन। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर में जो कि आज ही की डेट में आया था, जिनका जो परिवार राशन कार्ड में आवेदन नहीं कर पाए, जिनका राशन कार्ड नहीं बन पाया, उनको लिया जाएगा आवेदन। यहाँ पर और दिया गया है डीलर भी होंगे बहाल, यानी कि डीलर को भी यहाँ पर किया जाएगा बहाल, ताकि डीलर इसलिए बहाल किया जाएगा दोस्तों बता दूँ कि 23 लाख तो पहले से जो राशन कार्ड बना है वो बना ही है, 23 लाख जीविका के माध्यम से हाल में ही बना है, फिर से आवेदन लिया जाएगा, फिर से राशन कार्ड जारी किया जाएगा। तो इसमें क्या होगा,
डीलर को बहाली कर दिया, किसी भी व्यक्ति को राशन अच्छी तरह से मिल सके, कोई भी परिवार इस राशन छूटे नहीं, इसके लिए डीलर का भी बहाली किया जाएगा। डीलर के बहाली के लिए भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। डीलर के बहाली के नोटिफिकेशन कोई आता है, कैसे डॉक्यूमेंट करेंगे, कैसे आप डीलर का आईडी लेंगे और कैसे अपने समाज में वितरण करेंगे, तो इस पर मैं एक वीडियो आपके साथ लेकर आ जाऊंगा। तो आपको इतना याद रखना है, आवेदन तो होगा आरटीपीएस के माध्यम से। आप तो ये हो सकता है आपको खुद से करने के लिए आवेदन मौका दिया जाए, या आपको आरटीपीएस में लाइन में खड़े कर आवेदन करना होगा। तो ये दो ही ऑप्शन दिया जाएगा, यही जानकारी आपको देनी थी। मैं अच्छी तरह से आपको समझाया, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में आपको जरूर बता दीजिएगा। दोस्तों आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपका एक सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा हौसला कुछ बड़ा होता है। अब वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए तहे दिल से थैंक यू, लव यू। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में कुछ और जानकारी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए बाय।